कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Four of Cups, Eight of Cups in reverse, Chariot, Six of Wands, Knight of Cups। तो हमारे पास फोर ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपको वो चीजें नहीं दे पा रहा जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये कमिटमेंट भी हो सकता है या कोई और चीज जो आप चाहते हैं कि ये पर्सन चेंज करे अपने अंदर या अपनी लाइफ में। क्योंकि क्लियरली आज थ्री ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इमोशनल लेवल पे एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ परफेक्शन है, थ्री ऑफ कप्स है, यानी सारी चीज़ें हैं आपके पास ऑलरेडी। पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप किसी ऐसी चीज़ पर फोकस्ड हैं जो आपके पास नहीं है और आप अपनी जगह पर सही है। शायद ये कोई सीरियस इशू हो सकता है। शायद आप इस बात से परेशान हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। इनफैक्ट आप काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप थोड़े से स्टबन हो रहे हैं, जिसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आपने काफ़ी पेशेंस शो किया है और आप काफ़ी समय से कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी करते आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। एट ऑफ कप्स रिवर्स में है। ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन समझ चुका है कि उनके दिए हुए कितने भी कप्स, कितने भी गिफ्ट्स, कितने भी आप कह सकते हैं चाहे आपको इन्होंने अपना अटेंशन दिया हो या लव या केयर या कुछ भी कह सकते हैं, अब कुछ काम नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे कुछ रियल नहीं है, यहाँ पे कुछ सॉलिड कमिटमेंट नहीं है या फिर कोई फ्यूचर नहीं है आपका इनके साथ, तब तक ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ गया है कि अब आपको मीठी बातें करके और बहकाया नहीं जा सकता या फिर गिफ्ट्स या रोजेस देके आपको बदला नहीं जा सकता आपके थॉट्स को। यू नो, यहाँ पे उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। वो नहीं चाहते कि आप इस कप पर फोकस करें जो आपको नहीं दिया जा सकता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको ये कप नहीं दे पाएंगे, यानी आपको ये गिफ्ट नहीं दे पाएंगे जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आपका ध्यान इस पे से हट जाए, पर उन्हें पता है कि अब आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाने वाला। तो चैरिट के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, पर जब बात आएगी चूज करने की तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप इधर जाएं या उधर जाएं और ये सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकती है। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सिचुएशन है आपके फेवर में। आई मीन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन चेंज नहीं होने वाला या ये पर्सन
इसी तरीके से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहेगा, या आपकी बातें नहीं मानेगा, या आपको ये कप नहीं देगा, तो यू नो इस सिचुएशन से आप ही जीत के निकलने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये पर्सन आपको वो चीज़ें देगा जो आप डिजर्व करते हैं और जो आप चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप जब जिद पे आ जाएंगे तो फिर उन्हें अपना माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलना ही पड़ेगा, और उन्हें पता है कि आप अब और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। तो फाइनली सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत लंबी लंबी मैसेजेस भेजे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश करे, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करे इस बात पे से, पर फिर उन्हें लास्ट में आपको ये कप ऑफर करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये पर्सन जानता है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता और ये आपको खोना नहीं चाहते। बहुत सारे कप्स हैं यहाँ पे, हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Devil, Ten of Pentacles, and Four of Wands. तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि फाइनली आपकी विश पूरी होगी, वो विश जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि फाइनली ये वेट अब एंड की तरफ आ रहा है और वो पेंटिकल आपको मिलेगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके बीच में कोई ऑब्स्टेकल हो, कोई पर्सन आपके बीच में प्रॉब्लम बन रहा है, या किसी तरीके की बाधा हो सकती है, किसी तरीके की रॉन्ग एडवाइस। डेविल का मतलब हो सकता है इस पर्सन के अपने नेगेटिव थॉट्स भी। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके बीच के कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है। पर फिर टेन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, यानी गैदरिंग, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे किसी चीज़ का सेलिब्रेशन होगा और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन होगा आपकी कमिटमेंट पे लेगा, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कमिटमेंट। और आप डेफिनेटली इस पर्सन से कुछ सरप्राइजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि फाइनली आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ पाएंगे और एक फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। और टेन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इस डिसीजन में यू नो ज़्यादातर लोग आपके साथ होंगे। मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है और आपके फैमिली मेम्बर और शायद आपके पार्टनर के भी फैमिली मेम्बर्स इस सिचुएशन में सब खुशी नजर आ रहे हैं और कन्विंस नजर आ रहे हैं। तो यहाँ एक सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गैदरर, तो आप एक गैदरर हैं, आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं बिना कोशिश किए भी। आपके आसपास पॉजिटिविटी है जिसके कारण लोग गैदर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगी और इसके अलावा सबका अप्रूवल भी।
अगर आप सोच रहे थे कि कौन इससे खुश होगा और कौन नहीं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी को भी कन्विंस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप सबको कन्विंस कर पाएंगे। तो यह है रीडिंग आपके मार्च के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।